to my pop. क्या हुआ, नींद आ रही है कि नहीं? हवाओं का आनंद लेने जा रहे हैं। आप आ गए हैं हमारे प्यारे से एक ब्लॉग में। हवाओं का आनंद लेने जा रहे हैं तो हम भी आ गए। तो हम जा रहे हैं आज फिर एक बार। आ गए हैं हम लोग चौपन, यहाँ से स्टेशन रेड ट्रेन पकड़ेंगे। उससे पहले चाय पी लेंगे, थोड़ी ठंडी लग रही है तो पहले चलते हैं, थोड़ा चाय पी ले, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। वैसे आ गए थोड़ा टाइम से, हम लोग एक घंटे पहले आ गए, तो यहाँ पे अब चाय पियेंगे, थोड़ा भेज हो जाए तो चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जी। वैसे सीट तो अपना बुक है, बाकी तो ये नॉर्मल बस से आना पड़ा, कहाँ गई कमर का हालत ख़राब हो गया, वैसे ही थोड़ा सा डाउन चल। भाई लोग टोपी भी पहन के सेट हो गए, थोड़ा सा हवा लग रहा था और चाय वाय भी पी लिए। अब जा रहे हैं थोड़ा सा चौपन स्टेशन के पास, क्योंकि मेन रास्ते थोड़ा सा दूर है। तो आज फिर हम जा रहे हैं इलाहाबाद, और एज यूजुअल आज फिर त्रिवेणी कैंसिल है, कैंसिल ही रहती है साली है। इतना बढ़िया अपने शक्तिनगर से चलती है, वहाँ से नहीं तो ये चौपन बार बार कर देते हैं डाइवर्ट इसको। हाँ, तो अब स्टेशन के पास हम लोग आ गए हैं, जा रहे हैं, और मैं फिर आज इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा क्या पता नहीं संजोग हो गया कि पिछले तीन चार महीने में मेरा ये पांचवा या छठवा ट्रिप है इलाहाबाद के लिए। तो नहीं, दो तीन महीने में, एक महीने में नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो गया है, तो मतलब आज ही पेपर ही है, तो जा रहे हैं। कुछ लोग और थे साथ में, लेकिन वो क्या हो गया, बस से निकल गए, कुछ सुबह निकल गए, कुछ अभी जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं आराम से। वाह, लाइट भी जल गया, ऐसे कदम रखे वैसे लाइट आ गई। सुबह है, स्वागत स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो फिर लोग सुबह निकल गए, कुछ लोग वहीं पे रूम लेके रहेंगे। तो क्या, मैं तीन चार बार गया हूँ, तो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, क्योंकि ये एज यूजुअल लेट करती है। मैं इतनी बार बोल दिया हूँ सुबह से कि लेट करती कि आज टाइम से ना पहुँचा दे, नहीं तो फिर रूम लेना पड़ जाएगा अपने को भी। तो चलिए देखते हैं जो होगा आगे, आपको दिखाता रहूँगा। पिछली बार मैं इलाहाबाद आया था, आधा ही आधा मेरा वीडियो डिलीट हो गया था। निपट लीजिए, उधर ही कहीं बाहर जाइए। तो इनको लगा है बहुत ही जो 30 किलोमीटर से पेशाब लगा हुआ है, जा इधर इधर कोने में, हम भी थोड़ा हल्का हो लेते हैं फिर इसके बाद। 0 7 3 54 टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 1 5 0 7 3 54 टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस। अरे सर, त्रिवेणी एक्सप्रेस आने वाली है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये हम आ गए हैं 2 प्लेटफॉर्म है। क्या है कि अपने साइड क्या है ना, शक्तिनगर सिंगरौली आती है, लेकिन वहाँ पे कुछ पटरियों का काम चल रहा है ट्रैक का, तो यहीं खड़े होके अपने कितने दूर से आना पड़ता है, इनको कौन समझाए। तो चलिए अब सीट वीट ले लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद आपसे वार्तालाप में होंगी। बैठ चुके हैं हम अपने सीट पे, मैं तो ना बिछा लिया हूँ पूरा, बाकी मैं सेट हूँ, तकिया वगैरह लेके सेट हूँ, इनका मिडिल में है, नीचे कोई आ रहा है, नीचे कोई आने वाला है, हमारे डाउट में है अभी, तो इनका जुगाड़ लगा रहे हैं, अगर इनका मिडिल में नीचे वाला नहीं आया तो कूद के नीचे आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि जुगाड़ हो पाएगा, पग ऊपर, पग, ये सब बीच वाले आदमी हैं, इसलिए बीच में मिल गया, ऐसा ना बोलिए यार, नीचे वाले ऊपर वाले। तो साथ ही सब हमने खा लिया है, और एक ब्रेड ऑमलेट भी था जो इन भाई साहब ने खा लिया अकेले अकेले, तो बैठ गए। ये इनका है सीट नंबर 2, स्नैक ये बड़ा वाला खिला रहे हैं कब से, स्नैक्स जमाना है, उल्टा चल रहा है। सामने भी कुछ है, दिखाऊंगा नहीं लेकिन थोड़ा सा नहीं। तो फाइनली आ गए हैं हम गाड़ी, एज यूजुअल आज भी 2 घंटे लेट थी, तो जो दो हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी एज यूजुअल 2 घंटे लेट है, मतलब ये इसका ओरिजिनल टाइम है, से टाइमिंग यहाँ पे 2:20 का है, लेकिन ये 4:30-5 बजे तक जाती है। तो एज यूजुअल अच्छे से नींद भरने लिया है, और एक बंदा और अपना एक फ्रेंड आया हुआ है भोपाल से, वो इंतज़ार कर रहा है वेटिंग रूम में, तो चलते हैं पहले उसको रिसीव करते हैं, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है, और छोटा मोटा मुन्ना है वो,
तो उसको साथ में ले लिया जाए। तो उसके बाद चलते हैं पहले, फिर चाय वाय पीते हैं, देखते हैं बाहर, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि पेपर हम लोग का जो है, पेपर अपना है जो है वो है 11 बजे से, तो तब तक कहाँ इधर उधर घूमना है फिर डिसाइड करते हैं या फिर क्या करना है। तो जैसा होगा बाहर चल के उसे मिलके फिर बताते हैं। अब यहाँ पे हमको मिलेंगे भूपा जी, देखते हैं कहाँ पे बैठे हुए हैं। फोन तो किए थे तो बोले कि बैठा हुआ हूँ, यही तो है भूपा जी। एक मिनट, एक आप कहाँ गया भूपा, कहाँ चला गया? सॉरी सॉरी, हम बोला भूपा है क्या? यार आ चुके हैं पेपर देने के लिए, ये हमारे भूपा सर। भूपा सर, आज रीजनिंग का क्या है, क्या लगता है कितना क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा पेपर? रीजनिंग आएगा तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। नहीं आप तो कर लेंगे ना, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं? आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग बस कर, हम लोग के बस से बाहर है। तो ये सब बैठे हुए हैं सर, सारे स्टेशन पर आ गए हैं, बाकी मिलेंगे सब हमको सेंटर पर। इधर भी हैं दो लोग, इधर भी हैं। ओए गुरु, आप हमारे कैमरे के कैद में हैं। प्रोजेक्ट में बहुत सिंसियर आदमी है, मतलब मोस्ट क्या बोलते हैं ये, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, अप्रेंटिस ऑफ द ईयर है। तो निकल चुके हैं हम सेंटर से और जा रहे हैं संगम घाट की तरफ। कुछ मित्रगण मिल चुके हैं, ये एग्जाम सेंटर है। अच्छा यही है सी ए बी, कुछ लोग का ये भी एग्जाम सेंटर था। वो वाला एक बार फिर से हो जाओ, वो वाला अंबिकापुर वाला वो वाला परफॉर्मेंस दोबारा। पहुंच चुके हैं संगम किनारे, तो जैसा कि यहाँ पे आ रहे हैं तो बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मेला लगने वाला है जनवरी से, हम थोड़ा सा जल्दी हैं फिलहाल, पीछे साइड में वहाँ पे सब लग रहा है टेंट तंबू, तो वहाँ पे मेला लगने वाला है। अब आ गए हैं, कुछ फ्रेंड्स अभी और आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उस आ जाएंगे तो फिर हम जाएंगे उस पार, नहाएंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे लाइव दर्शन, और कृष्णा चड्डी पे आपको एक डांस करके दिखाएंगे। हाँ यस, सारा कुछ सजा हुआ है सब यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुलिस का लगा हुआ है झंडा, और ये बना हुआ है, सब सजा हुआ है यहाँ पे मेले के लिए। तो चलते हैं अंदर पानी के पास, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे मिट्टी भी बनाया गया है, यहाँ पे प्यारा सा ये ड्राइंग मंदिर का लुक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है काशी तमिल संगमम, बाकी जो थोड़ा बहुत गलती हो। तो ये सब तैयारी हो रही है खिचड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पे होता है खिचड़ी पे स्नान, तो उसी का सब तैयारी चल रहा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये, मारे ही बड़ा में नाचे मोर। ऊट राइड भी, क्या बोलते हैं, कैमल राइड भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आई हुई हैं और सजी हुई हैं पूरी यहाँ पे संगम पे मेले के लिए। वो अंकल जी हाय करते हुए काफ़ी खुश हैं, छोटे से शिव जी यहाँ पे जो बने हुए हैं, ताकि आप सबको दर्शन कराते हैं लाइव। अरे अरे अरे, यहाँ हो, यहाँ हो शंकर जी, आजा आजा। शंकर शंकर जी नाराज हैं लग रहा है। ओ शंकर जी, क्या नाम है तुम्हारा बाबू, क्या नाम है? नहीं बताएंगे, बता दो प्लीज। हाँ अभी मिलेगा, अभी 10 रुपए मिलेगा, भैया देंगे। नाम बता दो अपना, नाम बता दो, बताओ भोलेनाथ बता दो। अच्छा ठीक है, अभी भैया ओम नमः शिवाय बोल दो, ओम नमः शिवाय बोल दो, नमः शिवाय आशीर्वाद दे दो, ऐसे दे दो, किसी वो दे रहा था तुम भी दो ना, तुम दोगे तभी तो। हाँ बताना पड़ेगा, नाम बताओ पहले, नाम बताओ ना बताओ, ठीक है जाओ। तो हम सब ले लिए हैं यहाँ इसमें गंगा जल लेने के लिए सब कोई, और अब जा रहे हैं बोट की तलाश में, तो जल्दी से बोट लेते हैं और चलते हैं उस पर, जल्दी से करते हैं स्नान और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। सेट अब जा रहे हैं हम घाट पे, घाट पे सेट जाएंगे, नहाएंगे आराम से, और हम सब लाइफ जैकेट पहन के तैयार हो गए हैं। लाइफ जैकेट पहनिए जल्दी जल्दी, लाइफ जैकेट जैकेट पहनते सेफ्टी मास्क।
ये है हमारे कलाकार बंदे, साथ में आए हमारी माइनिंग इंचार्ज सर। या लेकिन पानी के बोतल बहुत बढ़िया ले कटप्पा का चाचा वाला किस्सा होगा। और ली सकाल और ले लें। अरे वो उस पे नहीं आया था। या या अन्य कोई अलग स्त्री को नहीं देखती। अपने मेराल को छोड़ छोड़ किसी स्त्री को नहीं देखेंगे। अपने मेराल को छोड़ के मेराल को छोड़ के देखो किसी स्त्री को अगर अगर दिखा दे गंगा तो भाई दर्शन अच्छे से हो गया है भाई। हमने गंगा जल भी ले लिया है और अब जा रहे हैं पास में एक हनुमान मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और निकले तो ठंडी लगने लगी थी इसलिए पूरा जैकेट वैकेट पहन के पूरा फिट हो गए हम लोग। तो चलते हैं जल्दी, कुछ लोग आगे निकल गए हैं। लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक पास में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे निकल जाएंगे। हमारे फ्रेंड है राम बेचारे, ये हमारे दोस्त है कृष्णा, और एक पीछे है अखिलेश। अखिलेश तो आप कल ही से देख ही रहे हैं हमारे अंकल जी को, और आज हमें देख लीजिए, आज इन्हें देख लीजिए। इन्हें आपने देखा होगा जब मैं कोरबा रहता था तो उस ब्लॉग में, एक दो ब्लॉग उधर जब बनाए थे थोड़ा बहुत तब उसमें मैं तो स्कूल टाइम का। हाँ ये हमारे भाई साहब स्कूल के फ्रेंड हैं सब। और वे कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो स्कूल में थे फिर बीच में तो और बीच में बिछड़ गए थे, फिर आगे कॉलेज के बाद फिर ट्रेनिंग में मिल गए फिर। और कुछ फ्रेंड्स हमारे आगे भी जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं यहाँ से खटाल जाएंगे। पहले दूध ये जो लिए हैं उसको बेचेंगे, फिर उसके बाद जो पैसा वैसा मिले उसे घर जाना। तो चलते हैं जल्दी से हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं, चलते हैं। आज निकलना भी है, 8 बजे तक बस भी है, बस भी ना छूटे। ये संगम का पुल है, ये जाता है इधर झुंसी साइड जाता है अंधावा साइड, मतलब बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मतलब दिख नहीं रहा होगा अभी कैमरे में, लेकिन मतलब कलर चेंज हो रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। फोन उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सुबह संगम नहा के एक बोतल गंगा जल लेके अंडे का सेवन, इसे मासूमियत मत जाइएगा, इसे मासूमियत मत जाइएगा, ये बहुत बड़ा हथियारा है। राम राम राम, हमको बता रहा है कि दाल फ्राई खत्म हो गया है, हमारे सामने दाल फ्राई ऑर्डर किया था ये बंदा, जब देखा नहीं तो लेट हुई तो मशीन बैठ गया बताए। भाई लोग हम आ गए हैं घर, रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि जैसे हम खाली हुए वहाँ से घाट पे से और गए बस स्टैंड पे तो तुरंत बस लगी हुई थी तो बस पे बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे क्या था खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, पैसे निकालने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि था नहीं टिकट के लिए भी, तो कुछ फ्रेंड थे उनसे ले लिया, वाटर बॉटल तक नहीं था। फिर आगे आके हमने एक जगह उन्होंने रुका नाश्ता के लिए वहाँ पे लिया, और खाना खाने के पास भी ऐसा हो गया कि मैं फ्रेश होने चला गया, खाना खाया था तो जल्दी जल्दी बस निकलने वाली थी वहाँ पे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो अभी बस में सो गया, तो मैं पहुँच गया हूँ डायरेक्ट घर पे। तो ठीक है आज के ब्लॉग में इतना ही, आज इस ब्लॉग में भी आपको प्यार अच्छी एक अलग ही झलक मिलेगी, तो देखिएगा एंजॉय करिएगा।